स्वागत है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, जैन वासु पूज्य मंदिर में हुई चोरी, कार्रवाई की मांग। कोरोना जांच लैब पहुँचे कलेक्टर, व्यवस्थाएं जांची। बच्चों को पिलाई आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन ड्रॉप। NSUI द्वारा पौधारोपण कर मनाई जयंती। कलेक्टर ने किया इंदिरा रसोई योजना का शुभारम्भ। टोल समस्या को लेकर यूनियन मिलेगा मुख्यमंत्री से। बस स्टैंड पर खड्डे दे रहे हैं खतरों को दावत। भक्तों ने माचिसा के दर्शन का लिया लाभ। अब समाचार विस्तार से। जैन वासु पूज्य मंदिर में हुई चोरी, कार्रवाई की मांग। राज्य शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार शहर के फुलवा से स्थित वासु पूज्य जैन मंदिर में बुधवार रात्रि को चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिस पर जैन संघ पेड़ी द्वारा पुलिस रिपोर्ट कर जांच व कार्रवाई कर चोरी का माल बरामद करने की मांग की गई। जानकारी के अनुसार चोरों ने मूर्ति की आंखें, मुकुट, तिलक आदि समेत कई सामान पार किया है। वहीं पास में ही एक केबिन का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की जानकारी सुबह पुजारी द्वारा मंदिर खोलने पर हुई। कोरोना जांच लैब पहुंचे कलेक्टर, व्यवस्थाएं जांची। राज्य शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जालो जिला मुख्यालय पर कोरोना की जांच के लिए स्थापित लैब का औचक निरीक्षण कर जांच के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त की। वहीं चिकित्सा कर्मियों को व्यवस्थाओं के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वहां उपस्थित प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पूनम टॉप एवं डॉक्टर राकेश से लैब में जांच के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं जांच को लेकर संधारित रिकॉर्ड को भी चेक किया। उन्होंने लैब में कोरोना जांच के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया। बच्चों को पिलाई आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन ड्रॉप। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में गत 3 दिनों से स्वर्ण प्राशन की ड्रॉप पिलाई जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी प्रातः 10:30 से 2 बजे दोपहर तक ड्रॉप पिलाई गई। वरिष्ठ आयुष चिकित्सा अधिकारी वेद श्री राम ने बताया कि बच्चों के मन मस्तिष्क के लिए ये दवा अमृत है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बार बार होने वाले जुखाम, खांसी, निमोनिया की पकड़ से बच जाता है और सुनी हुई बात को तुरंत ग्रहण कर लेता है। NSUI द्वारा पौधारोपण कर मनाई जयंती। शाहबाज खान की जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म जयंती पर NSUI के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी के निर्देशानुसार सुष्मिता गर्ग के नेतृत्व में पाठशाल चाइल्ड केयर सेंटर में व जुग्गी झोपड़ी में बच्चों को बिस्किट व चॉकलेट बांटी गई, साथ ही पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान सुष्मिता गर्ग ने बताया कि आजाद भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को देश का कर्णधार मानते हुए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए कदम उठाए और डिजिटल इंडिया का सपना आज से पूर्व देखकर उसके लिए कई महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। कलेक्टर ने बताया कि इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में 8 रुपए में पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं गर्म भोजन आम जन को उपलब्ध करवाया जाएगा। शहर में नगर परिषद के पास, नए बस स्टेशन के पास एवं
ट्रॉमा सेंटर के पास 3 स्थानों पर इंदिरा रसोई योजना के तहत रसोई के माध्यम से भोजन का समय सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं शाम का भोजन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। इस दौरान कलेक्टर ने स्वयं भोजन चख कर गुणवत्ता जांची है। टोल समस्या को लेकर यूनियन मिलेगा मुख्यमंत्री से। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जालोर पिकअप मिनी ट्रक यूनियन की आम बैठक जिला अध्यक्ष अम्बालाल माली की अध्यक्षता में 3rd बस स्टैंड पर आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष माली ने बताया कि जालोर से साकरना टोल की 20 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर रोहित तक का पूरा टोल वसूलता है, जो सरासर गलत है। इसके बाद में शहर से संबंधित सभी टोल नाकों की सड़कें क्षतिग्रस्त होने पर वाहनों का आए दिन मेंटेनेंस खर्च आता है, जिसको हम वहां चालकों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस पर यूनियन के सभी सदस्यों ने मिलकर PWD के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ ही मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या के निराकरण की बात कही। इस मौके पर यूनियन के कई सदस्य उपस्थित थे। बस स्टैंड पर खड्डे दे रहे खतरों को दावत। राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह के निकटवर्ती मुड़तरा सिली के मुख्य बस स्टैंड पर लंबे समय से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने से मुख्य बस स्टैंड पर बारिश के कारण बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। पानी का भराव हो जाने से कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, जिससे बड़े वाहनों को बहुत नुकसान हो रहा है। वहीं बाइक सवार गड्ढे की वजह से गिरकर घायल हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य बस स्टैंड पर खड्डे होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, मगर सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी व लापरवाही सामने आ रही है। लंबे समय से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग से खड्डे की वजह से रात्रि व दिन में भी चलना मुश्किल है। वाहन चालकों की मौत को दावत से कम नहीं है। भक्तों ने माजिसा के दर्शन का लिया लाभ। भोमा भारती गोस्वामी सिमोगा की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटका के चिकमगलूर जिले KNRपुरा से उत्तम सेन केशवना व जितेंद्र सेन चौंडा पैदल यात्रा कर सिमोगा माता रानी भटियाणी मंदिर माजिसा धाम पहुँचे। माजिसा धाम पहुँच कर माता रानी भटियाणी व सवाई सिंह के चरणों में शीश नवाकर दर्शन का लाभ लिया। उत्तम सेन की यह चौथी पैदल यात्रा व 3 बार साइकिल यात्रा की हुई है। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी गोविंद भारती व संपत राज खत्री, खुशाला राम माली, प्रकाश कुमार खत्री सहित अनेक भक्तों ने भादवा सुधी बीच पर माता रानी भटियाणी के चरणों में शीश नवाकर दर्शन का लाभ लिया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालोर शहर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।